हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी प्रश्न बैंक का हल। ये प्रश्न बैंक सत्र 2022-23 के लिए जारी की गई है। तो इसमें आज हम यहाँ पे कक्षा 11वीं की हिंदी विषय की प्रश्न बैंक का संपूर्ण सॉल्यूशन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में 11वीं के सभी विषय के प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन की जो प्लेलिस्ट है उनकी लिंक दी गई है, वहाँ से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसमें हम आज यहाँ पे कक्षा 11वीं हिंदी का सबसे पहले हम आज यहाँ पे इकाई एक का संपूर्ण हल देखने वाले हैं। तो यहाँ पे इकाई एक का जो नाम है वो है आरोह भाग एक का विखंड। तो इस इकाई का आज हम यहाँ पे संपूर्ण हल देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे हैं, तो हम इन वस्तुनिष्ठ प्रश्न से शुरुआत करते हैं अभी। तो सबसे पहला जो हमारे पास सही विकल्प है वो यहाँ पे दिया है, कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अ वाला ऑप्शन, यानी कि एक। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न दिया है वो है, मीराबाई के आराध्य देव कौन थे। तो इसका सही आंसर है श्री कृष्ण, यानी कि द वाला ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, मीराबाई की भक्ति है, तो इसका सही आंसर है दाम्पत्य भाव की है, यानी कि इसका स वाला आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। उसके बाद जो चौथा प्रश्न है वो है, मीराबाई ने कौन सी बेली बोई है। तो इसका आंसर आएगा प्रेम की, यानी कि ब वाला ऑप्शन इसका यहाँ पे सही हुआ। अब जो पाँचवा है हमारे पास वो है, मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया है। तो इसमें सही आंसर है पति, तो इसमें ब वाला जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, पति के रूप में स्वीकार किया है। अगला छठा प्रश्न है, त्रिलोचन लिखित कविता में लड़की का नाम है। तो इसमें आएगा चंपा, यानी कि ब वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला सातवां प्रश्न है वो, चंपा लड़की है, तो इसमें आएगा सुंदर की, तो स वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका इसका राइट हो जाएगा, सुंदर की। अगला है, चिरागा किसके लिए तय थे। तो इसका सही आंसर है हर घर के लिए, मतलब हर एक घर के लिए, स वाला ऑप्शन इसका सही होगा यहाँ पे। अब अगला जो हमारे पास यहाँ पे सही विकल्प है नौवां, वो है, चिराग किसे मयस्सर नहीं है। तो इसका आंसर आएगा शहर को, शहर को, यानी कि अ वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हुआ। अगला है, चंद मल्लिकार्जुन का अर्थ है, तो इसमें आएगा शिव, यानी कि अ वाला ऑप्शन यहाँ पे भी सही हुआ। अगला है, अक्क महादेवी किस भाषा की कवित्री है। तो इसका आंसर आएगा कन्नड़, यानी कि ब वाला ऑप्शन इसका यहाँ पे राइट हुआ। अगला जो बारहवा प्रश्न है हमारे पास यहाँ पे वो है, सबसे खतरनाक कौन सी दिशा है। तो इसमें आएगा, इसमें जो आपका आंसर है वो आएगा, जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए, ये इसका राइट आंसर है, यानी कि अ वाला इसका सही आंसर हुआ। अगला है, निम्न में से सबसे खतरनाक है। तो इसका आंसर आएगा सपनों का मर जाना, यानी कि स वाला ऑप्शन यहाँ पे इसका सही हुआ। अगला जो चौदहवा प्रश्न है हमारे पास वो है, मुट्ठी कविता में किसे बचाने की बात की गई है। तो इसका आंसर आएगा बस्तियों को, बस्तियों को, यानी कि ब वाला ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट हुआ। अगला जो प्रश्न है वो है, कवित्री बच्चों के लिए बचाना चाहती है। तो इसमें आएगा द वाला ऑप्शन, यानी कि मैदान। फिर सोलवा दिया है, संथाली आदिवासियों का हथियार नहीं है।
तो इसमें आएगा पिस्तौल, यानी कि द वाला ऑप्शन यहाँ पे इसका सही हुआ। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। 17वां जो हमारा सही विकल्प दिया है वो है, कवित्री विश्वास से भरे इस दौर में क्या बचाना चाहती है। तो इसमें आएगा उपयुक्त सभी, यानी कि जो द वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। तो इसमें आएगा भक्तिकाल, भक्तिकाल यानी कि ब वाला ऑप्शन यहाँ पे इसका सही हुआ। अगला जो हमारे पास दिया है, हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसमें आएगा चार भाग, यानी कि अ वाला ऑप्शन यहाँ पे इसका सही हुआ। अब 20वां जो सही विकल्प है हमारे पास वो है, प्रयोगवाद का समय है। तो इसमें आएगा सन 1943 से 1950, यानी कि द वाला ऑप्शन इसका सही हुआ। अगला हमारे पास जो यहाँ पे दिया है 21वां, वो है राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो इसमें आएगा तुलसीदास, यानी कि स वाला ऑप्शन यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। अगला है, श्रृंगार काल किस काल को कहा जाता है। तो इसमें आएगा रीतिकाल, रीतिकाल यानी कि स वाला ऑप्शन यहाँ पे इसका सही हुआ। तो इस प्रकार से ये हमने यहाँ पे इसकी पहली इकाई के सही विकल्पों को देख लिया है। अब अगर हम इससे आगे बढ़ेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसे अगले वीडियो में इस इकाई को कंप्लीट करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।